अच्छा, इतरेतर आश्रय दोष जो था उसी को बता रहे कैसा है वो इतरेतर आश्रय दोष। यावन्न योग कलना भवेत यावद्वा योग कलना नवन्निकलना अक्षमा। कह रहे कि देखिए, जब तक वन्नी का ज्ञान ना हो तब तक संबंध धूम के साथ उसके संबंध का ज्ञान नहीं हो सकता, और जब तक संबंध का ज्ञान ना हो तब तक वन्नी रूपी संबंधी जो दूसरा है, धूम का ज्ञान तो ही है, साक्षात दिख रहा है धुआं, लेकिन धुआं एक संबंधी है, दूसरा संबंधी कौन है? अग्नि। वो दूसरे संबंधी का ज्ञान कैसे होगा जब संबंध का ही ज्ञान ना हो। यावत्वा योग मने संबंध, या योग शब्द का संबंध है, वन्नी कलना वन्नी का ज्ञान जब तक ना होवे तब तक संबंध का ज्ञान नहीं होगा, और जब तक संबंध का ज्ञान नहीं होगा तब तक वन्नी कलना क्षमा ज्ञान वन्नी का ज्ञान नहीं हो सकेगा। यही इतरे इतर आश्रय दोष का स्वरूप है। तदेव स्फोरे नाटिका में कर यावन्ने वन्ने कलना मन ज्ञान इत्यर्थ, योग मन संबंध, यावत वा योग कलना ना वन्नी कलना अक्षमा मन असंभाव्या इत्यर्थ। सीधा साधा है। अब अगला पक्ष उठाएंगे, ठीक है, इत्थम सामान्य सत्ता अंगीकारे, इस प्रकार से निर्णय हो गया, एक सामान्य सत्ता कभी स्वीकार नहीं करोगे, कौन सौगत सम्मतम अनुमानम अपि दूषित्वा, बौद्ध दर्शन में जो अनुमान माने जाते हैं अनुमानों में भी दोष दे दिया, व्याप्ति नहीं बन सकती, अनुनाश दोष आदि आएगा वहां दूषित्वा। अब क्या करने जा रहे हैं, अन्यर नैयायिकादिभिर अनुमोदित शब्द प्रमाणस्य, नैयायिकादियों के द्वारा अनुमोदित जो शब्द प्रमाण है उसको सौगतेन अकिंचित कर्तुम आपादेति, उनको बौद्धों के द्वारा खंडन कराएंगे, खुद नहीं खंडन करेंगे, बौद्ध लोग स्वयं शब्द प्रमाण को खंडन करते हैं, उसके माध्यम से हम हमारी भी युक्ति वही है, समझ लेना, हमें अलग से खंडन करने की जरूरत नहीं शब्द प्रमाण की, दूसरों ने उसका खंडन कर चुका है पहले से, किन युक्तियों से उसने कैसे खंडन किया है उसे सहमति देते बता रहे हैं। देखिए, अकिंचित कर्तुम आपादयति आप्तवाक्याद् अथास्ति यः तत्सत्यत्वे दृढ़ा मतिः न राजते द्वयोर्वक्ता सत्यभाषी कदाचन। कहते कि देखो, आप तो वाक्य से व्याप्ति आदि सब कुछ ग्रहण हो जाएगा, काम चल जाएगा, आप तो वाक्य अथवा मने एक अगला पक्ष उठा रहे हैं हम कि यह इस व्याप्ति आदि के विषय में आप तो वाक्य से संबंध आदि सब कुछ ग्रहण हो जाएंगे। तब कहते हैं ऐसा मत कहो, तत्सत्यत्वे अदृढ़ा मति ही, आप तो वाक्य सत्य है इसमें दृढ़ मति नहीं हो सकती, कि जिसको भी पहले आप आप्त समझते हैं कुछ ही दिनों में आप उन्हीं को अनाप्त समझने लग जाते हैं। ये संसार इतना विचित्र, परमात्मा के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो परमात्मा पर भी संशय हो जाएगा, कहे पता नहीं क्या है ये, क्यों ऐसे कर रहा, क्यों लीला रच रहा है, सबको हो जाता, सबको संशय होता ही है। इसलिए आप्त कौन है इस संसार में, आप्त कोई नहीं मिलेगा, एक तो व्यवस्था मान लिए हैं, मान लेते हैं ये आप पुरुष हैं तो काम चलाते हैं, सब अपने मेरे स्वार्थ के लिए भी मान रहे हैं, यूं थोड़े मान रहे हैं, उससे अपना कुछ ना कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इसलिए वो हमारे लिए आप पुरुष है, वो सच बोलते हैं, या अपना मतलब निकल जाए, या अपना मतलब नहीं निकलना मालूम हो गया, भाई इनके यहाँ तो हमारा दाल गलने वाला नहीं, इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं, तब क्या करेंगे वो महंत लोग, कट ही देखते हम सब जगह, आप उनके अनुकूल बने रहिए, उनके हाँ में हाँ भरते रहिए, जैसा हो गया वह नचा वैसा नाचते रहिए, आपसे बढ़िया साधु दुनिया में कोई नहीं, सब भक्तों को कहेंगे इससे बढ़िया कोई साधु नहीं, बहुत अच्छा, और एक बात उलट जाइए उनके अगेंस्ट में चले जाइए, सबको कर लीजिए बहुत बेईमान, आप भक्ति का ढूंढ रहा चला था, अब पता चल रहा है अंदर एक बाहर एक, खूब बदनाम करना शुरू कर देंगे, भक्त हम सबको सावधान रहना है, ऐसा तो नहीं
आप कौन है फिर बताइए, जिनको आप समझे गुरु बनाया, जिंदगी दे दी, उन्होंने लुटा लिया आपकी जिंदगी को, और किसी बात में आप अपनापन में भी हित में करे जा अहित जो भी हो अहित हो सकता है। अरे बेटा भी बाप को कभी कोई सलाह दे देता है, हो सकता है कभी अहित भी हो जाए कोई हित भी हो जाए, लेकिन वो इतनी नजदीकी हो जाते गुरु शिष्य, वो अपनापन में वो बोल पड़ता है, उन्हें बुरा लग जाता है, वहीं से कट जाते हैं सब, और निकाल भी देते हैं। हमारे गुरु भाई आते हैं, 5 रुपए का कांटे बिगड़ गया, गुस्सा हो गए भयंकर, उन्हें नहीं सोचे थे ये चला जाएगा, दब के हमारे अंडर ही रहेगा सोचे थे, वो कहाँ तो चल पड़ा, अरे माँ बाप को छोड़ दे तेरे को क्या, परमात्मा ही देने वाला रोटी। फिर एक चेड़े को भेजा मोटरसाइकिल, जाओ पकड़ के लाओ उसको, इतना बड़ी ईमानदार कहाँ मिलेगा, एक एक पैक का बिल्कुल अकाउंट रखना था, 5 रुपए कहीं गड़े गिरा, फिर हुई कहीं हुई गड़बड़ी, उस खाया तो जरूर ही होगा, ये भी कह रहे हैं जो खाया नहीं होगा उसने कुछ, कहीं गिर गया होगा, खो गया होगा, नहीं मिल रहा बात अलग है, अरे हम डांट गया तो चला है, पकड़ के लाओ उसको, मोटरसाइकिल पर दौड़ पीछे दूसरा, ओ खेती में भाग गया भाग के मेरे पास आया हरिद्वार, और कहता है मेरे से आप बहुत बुद्धिमान निकले, क्यों आप तो 2.5 साल में निकल आए, हम तो 12 साल रगड़ के जिंदगी बेकार कर मैंने कहा नहीं नहीं 12 साल तो मेरा अंतर शुद्धि होने में टाइम लगी, हमारा अंतर जो 2.5 साल में हो गई, इतनी अंतर है भाई, तुम्हारा स्टैंडर्ड अपर स्टैंडर्ड वैसे क्या कर, 12 साल में तेरे के अंतर शुद्धि होकर अकल आई, हमारे 2.5 साल में शुद्धि होकर अकल आ गया, तुम जो जैसा है अपना अधिकारी भेद है, सो बुरा मत मानिए, वो उनकी कृपा से तुम आए हो, उनको इतना पहले गुरु को वृद्ध बोलते थे, बुढ़ा कहीं का ये है वो है, मैं समझाता था ऐसे मत कर, ऐसे मत बोला कर, और आज उनकी निर्वाण दिवस मनाता है, हम नहीं मनाते, भंडारा बनाता है वो भंडारा कर रहा है, हर साल भंडारा करता है वो, यहाँ ऋषि महात्मा को बुलाता है, हम नहीं मनाते, जो कितना अंतर है, वो कहाँ हो गया था, किस स्थिति में गया था और किस स्थिति में आ गया, मैंने अब ठीक, अब सगुण उपासक बने हो तुम, बने हो अभी सगुण साकार के उपासक कर रहे थे, अब तो ये समझ रहे हाँ मेरे गुरु हैं, मेरे उनकी निर्वाण मौसम बनाएंगे अच्छी, अब निर्वाण अवस्था में चला जाए तो अच्छी बात, फिर वो भी ठीक, फिर तो करेगा नहीं कुछ भी, तुम में गुरु में कोई अंतर ही नहीं, क्या करेगा, किसका क्या करेगा, इसलिए ये सब स्थितियाँ आती हैं लोगों के साथ, तो ये कहते कि भाई इसलिए आप तक तो पर बोल रहा था, कब तक कोई आप थे आपका, कब तक व्यक्ति के वचनों पे आप विश्वास करते रहेंगे, टिके रहेंगे, कहीं ना कहीं जाकर स्थिति आती है टूट जाती है, कि आप यदि है तो आपके अपने आत्मा के लिए कोई दूसरा आप ही नहीं है, आप तो काम आकाम आत्मा को क्या आकाम है, आप तो काम है, सब सब आप तो काम वाला आत्मा ही है, वही असली आप थे, वहां तक पहुंचने तक जितने गुरु बनाएंगे उन सब गुरु में आप तत्व तो है, उतने देर तक जितना उस स्टेज तक उस कक्षा तक, ऐसे जो भी टीचर आप बार बार दृष्टान देता हूँ, स्कूल का टीचर क्या है आपके लिए, जिस क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपके लिए वो आप पुरुष है, वो जो बोल रहे हैं सब कुछ बिल्कुल सच है, उससे पास भी होते हैं आप, ऐसे कोई वचन गलत नहीं, भले बाद में पता चलता उधर पढ़ा था गलत ही था, वो थ्योरी ही गलत है, कि विज्ञान के उच्च स्तर में दूसरी थियरी आ जाती है जो उसको काट देते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको अनाप्त नहीं कहेंगे, उस टीचर को भी आप ही माना जाएगा, उस स्तर के लिए वो आप्त थे, अब इस स्तर के लिए दूसरा आप्त है, अगले स्तर कोई और आप्त मिलेगा, अंत तक जब तक नहीं पहुंचोगे ऐसा अनेक आप पुरुषों का संबंध होना पड़ता है, इसमें कोई भी किसी भी स्तर पर जो भी प्राप्त हो रहा है वो वास्तव में अनाप्त नहीं है, गलत नहीं है, इसे इनका कहना है कि वो अदृढ़ामति और द्वयो वक्ता सत्यभाषी कदाचन न राजते, वन्नी दूम के संबंध आदि को कथन करने वाला कोई सत्यभाषी कभी नहीं हो सकता, कदाचन न राजते न प्रकाशते, विद्यमान ही नहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है, इतम सामान्य सत्ता हो गया ननु आप्त वचनात्
यह मने प्रकृत स्थले अनुमानम नास्ति चेत, प्रकृत स्थल में अनुमान लागू भले ही नहीं होता है तो आप तो वचन से तो अनुमान आदि कर सकेंगे हम। तत्सत्यत्व लेकिन आप तो वचन का सत्य होने में तस्य आप तो वाक्य से सत्यत्व, तत्सत्यत्व से मैंने आप तो वाक्य को सत्य मानने में यथार्थ मानने में तब बौद्ध से मति ही अदृढ़ा तद अनंगीकारा, क्योंकि आपके बौद्धों की मति दृढ़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपके मत में यह प्रमाण स्वीकार ही नहीं किया गया है। उनके दो ही प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष और अनुमान, आगम प्रमाण है नहीं। इतना ही नहीं और भी बड़ी बात यह है तद अनंगीकार हेतु मां उसे स्वीकार न करने के कारण क्या है? कारण यह है द्वयो धूमाग्नि वक्ता संबंध ख्यापक सत्यभाषी आप्त कदाचन न रजते न रजते न भवते, कि धूम और अग्नि के संबंध आदि को लेकर के कथन करने वाला सत्यभाषी एक आप पुरुष आपके मत में कोई है ही नहीं। क्यों? सर्वम क्षणिकम, यह शून्य में उनके मत में, शून्यवाद में कोई आप पुरुष हो कहां से हो जाएगा, क्षणिक में भी कोई आप पुरुष कहां से हो जाएगा। आप्त से लक्षणम यथा चर के, आप्त पुरुष किसको कहते हैं? आप्त पुरुष किसको कहते हैं? यथार्थ वक्ता को आप्त कहते हैं। यथार्थ वक्ता का मतलब क्या है? अयंगटा बोलने वाला क्या है? जो शास्त्र तो है कि अयंगटा ज्ञान, अयंगटा जो बोल रहा है वो आप्त पुरुष कह देगा उसको, फिर अनाप्त कह देंगे आप। भाई लौकिक बात सिखा रहा है, सत्य तो सिखा, सही तो बता रहा है, मोबाइल को मोबाइल कह दिया तो अनाप्त हो जाएगा, वो भी तो आप पुरुष ही है फिर। इसलिए यथार्थ का अर्थ क्या लेना है वो महत्वपूर्ण चीज है। तो चरक महर्षि करे देखिए, आप तो नाम वस्तु तत्वस्य कार्ष्णीन निश्चयवान रागादि वशादपि नान्यथा वादीय सः। आप पुरुष उसे कहा जाता है जो व्यक्ति किसी भी वस्तु तत्व को पूर्ण रूपेण निश्चय कर लिया, ऐसा है उसको पूर्ण रूप में ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद राग आदि के वजह से भी, राग द्वेष आदि के वजह से भी, मजबूरी में भी कभी भी वो अन्यथा नहीं बोलेगा। उसका जैसा अनुभव पूर्वक दृढ़ निश्चय है उसको वैसा ही बोलेगा। किसी भी दबाव में, राग द्वेष आदि दबाव में आकर के वो अन्यथा उल्टा या जाना हुआ में कुछ कमी करेगा ही नहीं बोलने में, शत प्रतिशत वैसे का वैसे बोल देवे, उसका नाम ही आप पुरुष होता है। किसी भी दबाव में नहीं बोलने वाला यह सा जो है वह आप पुरुष है। वही श्लोक में अध्यय सोप्यन्यथा प्रदर्शेत अक्षय तो राग द्वेषयो हो पित्रादेरप्यसत्तत्वं तत्र अन्यत्र निश्चयः। बयान वैश्व पूर्व में ही है, यहां तो कान बगिटी का हो गई। सोपि जिसको आप आप्त कह रहे हो ना, जिनको भी आप आप्त करके निश्चय कर लेते हो, आपको ये कुछ समय के बाद ऐसा अनुभव में आएगा कि ये भी राग द्वेषाधीन होकर सत्य को असत्य बोले और असत्य को सत्य बोल देता। दोनों ही कारण है, दोनों में कारण होता है। एक कारण यह कि गुरु में स्पष्टता नहीं है, गुरु स्पष्ट दी है वो कहते हैं हमारी इतनी नॉलेज है तो आगे चले जा, तो कोई बात जितने दे दिया दे दिया, बाकी छुट्टी करो उसको जाए। आप बांधने के चक्कर में गोल गोल घुमाने लगते हैं ना बात, गुरु ये चेड़ा छूट ना जाए भाग ना जाए, उसमें घुमाने के चक्कर में क्या होता है उसके झूठा चेहरा सामने आ जाता है, वहां गुरु गलत कर रहा है। एक तरफ तो वहां दोषी हो रही है, दूसरा चेड़ा क्या है एक अब पीछे पकड़ बैठ गया, मुक्ति तक इनको छोड़ूंगा नहीं। अरे वो योग्य है या नहीं, क्या है क्या नहीं है, उनकी क्या स्थिति है, कितना वो देर उतना लो और आगे बढ़ो, तो चिपक क्यों रहा उनका पीछे और इतना ज्यादा चिपक गया। ये श्राद्ध श्रद्धा करने तो गलत है ना, बार बार कैसे क्या कहा गया, पानी पियो छानी गुरु बनाओ जानकी,
आप ही लोग कहावत बनाए हो, छानते तो हो नहीं, जानने की कोशिश तो करते हो नहीं, झूठी अंधश्रद्धा कर ली, ये ब्रह्म है भगवान है पकड़ ली और लात मार रहे तो छोड़ोगे नहीं तो क्या होएगा, दोष इसके तरफ भी ये है। ये उस प्रिंसिपल को अपना क्यों नहीं रहे, जैसे बार बार कहते स्टूडेंट का, स्टूडेंट आप इस अध्यात्म जगत का एक विद्यार्थी है, मुक्ति पार पर्यंत उसे हमें जैसे अनेक कक्षाओं में हम गए कि आप था हमें पीएचडी करना है या डिग्री पाना है, एक टीचर चिपके तो नहीं आप, टीचरों को छोड़ते 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 आगे को पकड़ते 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 आप लक्ष्य तक जाओगे नहीं जाओगे, और यहाँ लक्ष्य क्या है, एक अद्वैत आप जान भी रहे हो फिर एक पीछे क्यों पकड़ रहे हो, सगुण के पीछे किसी भी सगुण मूर्ति को क्यों पकड़ रहे हो, जितने भी सगुण हैं ये आपके साधन है, ये साध्य नहीं है, इनके पीछे मत पड़ो, इनसे जितना ले लो और अपना अलग होकर के लक्ष्य तो आपको अकेले नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, ये भी जान रहे हैं कि नहीं सत्संग से, सत्संग से ये भी जान रहे हैं कोई मुक्ति देने वाला नहीं है, गुरु के जेब में नहीं है मुक्ति निकाल के आपको दे दे, कोई गुरु मुक्ति नहीं दे सकता, उसकी कृपा देगी ना, वो तो नहीं दे सका, दोनों में अलग है, गुरु देता है या गुरु की कृपा से होती है, गुरु की कृपा से, आप इतनी सेवा गुरु प्रसन्न कृपा ले लो निकल पड़ो भाई, अगले स्कूल में एडमिशन कौन देता है, एडमिशन प्रिंसिपल नहीं देते स्कूल वाले, यहाँ से टीसी लेनी पड़ती है, टीसी लेके अगले में जाना पड़ता है, यानी व्यवहार में भी देखो ना, वो प्रिंसिपल थोड़ी आएंगे तुमको अगले कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए, हाई स्कूल का मास्टर कभी आया आपके साथ कॉलेज में एडमिशन कराने, मास्टर नहीं आता, वो टीसी देता है मास्टर दे ले जा जा जा, जा। भाई हमें भी इस गुरु की कृपा लो और निकलो, ये कृपा ही टीसी सर्टिफिकेट और कुछ नहीं, कृपा लो और चल पड़ो अगले गुरु के पास, उनसे कृपा लो और आगे बढ़ो, वहां जितना मिला ज्ञान लो साधन सीखो जितनी उन्होंने देनी है, बाकी अपने जुगाली वहां जाके करना है क्या, जरूरी है वहां जाके जुगाली करें, हम कहीं बैठ के जुगाली करेंगे, एकांतवास करो अपने जुगाली करते रहो अपने मुक्त हो जा। लेकिन ये हम लोग जो गलत दिमाग में शिष्य के ये आ गया ना, यही मेरे को मुक्ति दे, छोड़ूंगा नहीं इनको, और भ्रम हो रहा है, परेशानी हो रही, कुछ भी हो रही, टेंशन हो रहा है, काहे को बैठा है टेंशन पालने के लिए, वहां घर द्वार इसलिए छोड़ा था, विवेक आती नहीं है, मैंने उसकी कमी ये है, दोनों में कमी आ जाती इस तरह से, यदि ये मोह वशात रोक रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं उसको, तो ये भी गलत है। गुरु भी चेला भी मोह वशात आकर के यही मेरे को मुक्ति में पकड़ रखा है, एक टीचर को ही तो वो भी मूर्ख है, इस दोनों की गलती होने पर ही असंभवता होती, अधिकतर एक तरफा नहीं होता, तो हम यही कहते हैं इसका कर्म ऐसा आता उसका कर्म वैसा आता, दोनों के से चल रहा है, चल रहा जब तक चल रहा है, अपने आप कर्म क्षय होगा, अपने आप पिंड छूटेगा, एक दूसरे का पिंड छूट जाएगा, जैसे गृहस्थी में होता है पति पत्नी बने हैं अपने खचर खचर चल रहा है, खचर खचर चल रहा है, तो भी लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, एक दिन अपने आप एक ने मर जाएंगे, या दिए गया तो वो गया, कोई ना कोई पहले जाएगा, पिंड छूटा, कहाँ को पकड़ना और कौन पकड़ने वाला, और गया तो गया, अब मैं एक दृष्टांत दे रहा ना, उतनी दृष्टांत ना छूट तो गया एक हिस्सा, जो खचर खचर के एक जड़ तो गया, बाकी मैंने मन में रखा है दिल में रखा है तो भी निकाल फेंक, वो तेरी मर्जी, आपने मन में दिल में बसा रखे हो तो निकालो, तुम्हारा वैराग्य विवेक की बात है, बाहर से तो छूट गया कहानी खत्म, वो कर्म क्षय हुआ छूट गया अपने आप, ऐसे गुरु चलोगे भी जो कर्म क्षय होगा तो अपने छूट जाएंगे, और दिन में बैठे रहो गाली देते रहो गुरु को, चेला गुरु को गाली दे रहा है, गुरु चेलो को गाली दे रहा है, वो अपने दिन मन में जो हो रहा होने तो वो बात अलग, बाहर से छूट गए स्थूल दृष्टिया, इसलिए आप तत्व तो जो भी चीज होती है ये उसी को कहा जाता है जो स्थिति में चल पड़ता है, जो जैसा जाना जितना जाना उतनी ही कहे, राग द्वेष के दबाव में ना हो, ऐसे कोई मिलेगा नहीं कह रहा है, सो अपी जिसको तुम आप करे वह भी क्या करता है, राग द्वेष अक्षय तो हो, राग और द्वेष कैसे हैं,
अक्षय हुए नहीं है, अक्षय बने हुए हैं वो बेचारे दोनों के दोनों। उनके वजह से क्या होता है, अन्यथा प्रदर्शित, जो जैसा है तो ठीक उल्टा बोलेगा, उल्टा ही बोलते रहे फंसाने के लिए। आप थे यही तो कह रहे हैं, क्योंकि आप तो ऐसे मिलेगा कहां, जो लक्षण जिस तरह की है उस तरह की आप तो मिलना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि राग द्वेष उनका पेट में भी बना हुआ है, खत्म नहीं हुई। पित्रादेरपी दृष्टांत कह रहे हैं, दुनिया में पिता माता से बढ़कर कोई और है क्या, ही तो इसी किसी का, वे भी झूठ बोल पड़ते हैं। बच्चे का हित के लिए नहीं, अपने स्वार्थ, अपना स्वार्थ छिपा है अंदर में, बाहर से बच्चे का हित दिखते घुमाते बातों, बच्चा कुछ चीज मांग रहा है वो भी जान रहे हैं इसकी जरूरी है, लेकिन क्या करें अपना सामर्थ्य को नहीं है। कई बार ऐसे होता है, पैसा नहीं बाप के पास, बेटा मांग रहे कोई पुस्तक, देना जरूरी भी है, उसका हित उसी में है, उसको देने में ही जो पढ़ेगा और आगे अच्छा आगे बढ़ेगा, बाप के पैसा नहीं क्या करें, और घुमा देते झूठ बोल देते, उसका नहीं महसूस ना हो बाप गरीब है पुस्तक मुझे नहीं दे सकता, महसूस भी ना हो बेटे को, इसे क्या करना पड़ता है, उसको झूठ बोलना ही पड़ता, सत्य कहां बोला, आप कहां हुआ फिर वो, इसे पत्र देरपि असत्यत्वम पत्र अनेक जिस विषय आपके मामले बताऊं, वे पिता आदियों में भी असत्य कहता हुआ देखने को मिलता है, अन्यत्र निश्चय। और जब पिताजी में ही हम मालूम ऐसी स्थिति हो रही है, अन्यत्र कहने की क्या जरूरत है हमको, वहां क्या निश्चय करोगे कि पर पुरुष जो होगा वह आपका होगा, ये कैसे निश्चय हो सकता है, निश्चय नहीं हो सकता। ठीक है, सोपी मैंने आप तो भी राग द्वेषियो, राग का लक्षण क्या, द्वेष का लक्षण क्या, योग सूत्र दे रहे हैं यहां पर, सुखानुषयी राग पतंजलि योग सूत्र 2-7, सुखा दुखानुषयी द्वेष पांचवा योग सूत्र 2-8, तय अक्षयता सर्वता अक्षीणत्व, कि माता पिता भाई बहन जो आजकल गुरु, इनमें किसी के भी पेट में पूर्ण रूप क्षीण नहीं हुए हैं। ऐसा सदगुरु जिसे बिल्कुल राग द्वेष 100% खत्म, ऐसा मिलना आसान है क्या, ये बाजार में ढूंढने तो मिलेगा ही नहीं, अन्यथा अयथार्थम प्रदर्शयेत, इसलिए वो क्या करते हैं, अयथार्थ प्रदर्शन करते हैं। ननो सामान्य जनेन अन्यथा वक्तव्यम नाम, किंतु पित्रादिना तो सत्य में वक्तव्य, यदि कोई पहले सामान्य दुनिया में ऐसा उल्टा सुल्टा बोलने वाले भले मिल जावे, लेकिन हमारे माता पिता हमारा गुरु तो सही बोलता होगा, 100% सच होगा, ऐसे कोई शंका कर रहा है, तेषाम आप्ततम, वो आप्ततम है हमारे, आप क्या आप्ततम सुप्रीम आप्त, ऐसे कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है पागल है तू, इत्या पित्रादि रीति तत्र आत द्वारोपलब्ध शाद प्रमाय हेतुत्व पितृभ्य असत्यत्व, आपके द्वारा प्राप्त होने वाला शाब्दिक प्रमादि के विषय में हम अच्छी तरह से कह सकते हैं पितरादियों के द्वारा भी असत्य कथन हो जाता है। कस्मात कारणात, क्या कारण है ऐसे होने में, राग द्वेषी हो तत्रापि वर्तमान, माता पिता आजकल के गुरु इनमें भी तो राग द्वेष आदि पड़ा हुआ है, ये कहां जाएंगे, इसलिए इनको भी आप्त मान के दौड़ना बड़ी मूर्खता है, इसलिए इनको अंतिम सत्य मान के मत चलो, अंतिम सत्य तो खुद आत्मा है, इसलिए अपने आत्मशरण में जाने के लिए इन लोगों से जो भी ज्ञान चाहिए साधन चाहिए ले लो, अलग हो जाए, लेकिन इसका यह नहीं कि उनके विरुद्ध अश्रद्धा है, यदि कोई ऐसा कहते मूर्ख है जो कह रहा, पूर्ण श्रद्धा है, नीति स्मरण करते हैं, उनके नाम पर आहुतियां देते हैं भोजन में, सबके नाम पर देता हूं, श्रद्धा में कम नहीं रखते हैं, जाते नहीं लफड़े किसी चक्कर में, देखिए आप यही विशेषता अपने सीखना है हम लोगों को, भाई इनसे लो ज्ञान लो, उनसे कृपा प्राप्त करो, उनकी टीसी ले लो, मार्कशीट ले लो और निकल पड़ो, एक स्कूल है वो, कक्षा है, उन गुरुओं को सलाम जो जिंदगी भर के लिए सलाम है। वो अच्छी बात है, भगवान की कृपा उसी तरह से सही, भगवान की कृपा उसी तरह से सही,
भूतों की कृपा निकल तो गया, ये तो मैं कह रहा था पिंड तो छूट गया, चाहे जैसे भी छूटे अपने विवेक से छोड़ दिया तो अति उत्तम, उसमें श्रद्धा भी बनी रहती है। और उसने जो छूटता है ना वही दृष्टांत पहले दिया क्या, गुरु को गाली देते फिर चेड़ा, और गुरु भी चेड़े के खिलाफ बक बक करते रहे। हमने बताया ना एक चेड़ा अभी ओंकार आश्रम में मिला किसी गुरु का, ओ गुरु आश्रम को बार बार फोन कर रहे हैं उस लड़के के बारे में, ब्रह्मचारी बेईमान है, 420 है, ये है, लड़के के चक्कर में था, वो था, आश्रम निष्कासित कर दिया, रखो मत आश्रम में। तो गुरु चेड़े के खिलाफ पकड़ा है, बार बार फोन कर रहा है। तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या करना है, मैंने क्या करना है वर्तमान को देखो, तुम्हारे संस्था के नियम के मुताबिक यहाँ ठीक से रह रहा है कि नहीं रह रहा है। जिन आपकी संस्था के नियमों को उल्लंघन कर रहा है, यहाँ के माहौल को बिगाड़ रहा है, यहाँ भी किसी लड़की जैसे आरोप लगा लड़की के पीछे जा रहा है, ठीक है, लेकिन उनके कहने पर आज के डेट पर निकालना, ये धर्म के दृष्टि से आपसे अपराध है। ठीक है, उन्होंने आज से सुनो भी मत, उनको फोन काट बात सुनो मत, जिसने गड़बड़ करेगा उसे निकाल देना। तुम्हारे यहाँ जो प्रार्थना जो थी जितनी संबंध वो हो गए खत्म, गानी यहाँ अनजल जब तक तो रहेगा अपने अपने आप चला जाएगा, निकालने की भी जरूरत पड़ती नहीं है, अनजल खत्म होते अपने आप जाते हैं, किसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। शुरू में आप परेशान थे, खचर खचर होता था आपके साथ, आप बोलते थे क्या करवा, चुप रहो शांत, यही तप है, सहन कर, ये गुरु भाई लोग है, तंग कर रहे कोई बात नहीं, अपने आप सब निकल गए कि नहीं, एक एक करके जो जो तंग किए उनके अंचल है, या उन्हें कुछ पाने आए हैं वो पालेंगे अपने आप चले जाएंगे। इस दौरान कुछ संघर्ष हो जाता है चार के खोपड़ी के बीच में, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग विचार के, अलग अलग संस्कार के हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो होता है, इसमें विक्षिप्त अपने आप को नहीं रखना है। दृश्य आगमा पानो नित्य स्थान भारत, ये आने जाने वाली भीड़ है, सहन करो। इसलिए आप तो तीसरे समस्या हमारे सामने ये बोल रहा है, अकस्मात कारण कि राग द्वेष किसी के भी पेट से पूर्णतः निकला नहीं है, विद्यमान है। यदि पित्रादि नाम ईदृश स्थिति, जब पित्रादियों का ये दुर्दशा है, आप तो तुम जिसको मान रहे, फिर तो अन्यों के बारे में कहने का, तरी अन्यत्र अन्यत्र मैंने सामान्य जने कथम यथार्थ तत्व से निश्चय से आज वह यथार्थता आप तत्व का निश्चय कैसे कर सकोगे इस दुनिया में आदि ना, इसलिए तस्मात इत्यादि। अगला श्लोक, तस्मात न भेदे भावानां तद्ग्रहाद्यपि युज्यते क्षण भंग परामर्शाद अप्ये तदुपपद्यते। कहते इतना ही नहीं बल्कि आधे श्लोक हमें लेना है, पहले पूर्व के साथ जुड़ेगा वो, तो आगे का और आधे का आगे से जोड़ा है उसका। तस्मात भावानाम भेदे नौ, एक कर दिया, तस्मात भेद मैंने भेद भेदवाद को स्वीकार कर लेने पर भावानाम पदार्थों का जो है ग्रहाद्यपि न युज्यते, ज्ञान संबंध व्याप्ति ये कुछ भी नहीं हो सकता। इतने की ब्रह से टीका देख लो, तस्मात भेद मने भेदवाद स्वीकार है, भावान मने पदार्थानाम, ग्रह मने ज्ञानम, आदि से क्या लेना संबंध, न युज्यते संगतिम न प्रयाति, वो संगति वाती नहीं बैठती नहीं। अच्छा, इस तरह से ले लिया मुख्य रूप में जो मानते ही नहीं हो। और दूसरी बात, आपके मत में क्षण भंगवाद भी आप बौद्ध लोग हैं, क्षणिक विद्या विज्ञान वाले, आपके तो आप कहां से मिलेगा जब सब कुछ क्षणिक है। वो आप पुरुष वो होगा ना, पहले अनुभव किया, जो चीज जैसे अनुभव करके दृढ़ निश्चय हो गया, यथार्थ निश्चय हो गया, उसको राग द्वेष आदि दबाव में ना करके वैसे के वैसे कहना, बाद में कहेगा ना कहने वाला होगा, ऐसे कहां मिलेगा आपको क्षण विज्ञान में। वो जो क्षण अनुभव किया वो दृढ़ कैसे होगा, उसको दृढ़ होने से पहले वो खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं क्षणिक भंग परामर्शात अप्ये तद्युपपद्यते। क्षणिक भंगवाद आपके यहां मत है, उसके भी दृष्टिकोण से विचार करके देखें, तब भी आपके मत में यह आप्त वचन आदि प्रमा
हो ही नहीं सकता। लेकिन विचार करें पहले क्षण भंगवाद कैसे सिद्ध करते हैं, क्षण भंगवाद की सिद्धि पहले करो, उनके क्षण भंगवाद को थोड़ा समझो क्यों उनमें, फिर बाद में कह सकते ना, तभी हम कहें आपने इस आधार पर क्षण भंगवाद सिद्ध किया, उस आधार पर चलोगे तो कोई ज्ञान ही नहीं हो सकेगा, ये तभी हम कह पाएंगे। इसलिए पहले विचार करके जाने कि क्षण भंगवाद कैसे टिका, कैसे उन्होंने सिद्ध किया। शक्ता शक्त विकल्प ही दीप ज्वाला द्युदाहृतई स्थिरता नोपन्ना ते प्रत्यक्षेणापि च स्थिता। कहते दो उनके पास आधार, एक तो शक्ता शक्ति पर विचार कीजिए, सामर्थ्य और असामर्थ्य पर विचार कीजिए, और दूसरा दृष्टांत में दीप ज्वाला का दृष्टांत है। बौद्धों के, बौद्धों की सबसे बोल रहा हूं मैं, यहां बोल रहा हूं मैं, मतलब बौद्ध मेरे पास है ना, बौद्धों के पास है ये शब्दों को ऐसे समझ रहे हैं कि वो कह रहा है, बौद्ध कह रहा है मेरे पास जो है क्या है, दीप ज्वाला का दृष्टांत। दीप ज्वाला क्या है, हर क्षण नष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा है, फिर आपको क्या लगता है वही अधिपक है, वही अधिपक है, वही अधिपक है, निश्चय होता नहीं होता है। इसलिए आपको जो निश्चय हो रहा है मैं वही हूं या मैं ब्रह्म हूं, ये भ्रांति है आपको, इस दीपक में भ्रांति हो रही है, एकत्व का है वहां अनेक, हर हर भेद है वहां, हर क्षण नष्ट हो रहा है, इस स्थायित्व का भ्रम है। इसी प्रकार सामर्थ्य असामर्थ्य पर विचार करके देखिए, शक्ता शक्ति का मतलब होता है सामर्थ्य और असामर्थ्य, पदार्थों का अर्थ क्रिया का अर्थ में सामर्थ्य है या नहीं है, वो समर्थ है या नहीं, वो यही समर्थ है कहो तो फिर कारण सामग्री की जरूरत क्या, यदि मिट्टी में घड़ा बनने का सामर्थ्य है फिर कुंभकार की क्या जरूरत, मिट्टी अपना घड़ा बन जाए, यदि उसमें सामर्थ्य नहीं है फिर कुंभकार गया कोई कुछ नहीं कर पाएगा, रज्जू है स्वतः सामर्थ्य है उसमें, फिर दूसरे की जरूरत नहीं, नहीं है दूसरा हजार भी कुंभकार आ जावे उसको बना नहीं पाएंगे, इसे तिल से तेल निकाल के दिखावे कोई तो दिखा सकता है, और जब जिसमें सामर्थ्य ही नहीं निकालने की वो क्या कर लेगा, उसमें रेत से निकाल दे तेल। इसीलिए इस संसार को क्षणिक मानो, कोई समर्थ नित्य सिद्ध वस्तु है ही नहीं, कोई भी नित्य समर्थ सर्वशक्तिमान वस्तु है ही, जब तक दिख रहे उतने उतने देर के लिए मान लो, कहने खत्म हो गई, व्यवहार हो गया, छुट्टी पाई, ये इनका कहना है। इसलिए स्थिरता नोपन्ना ते मने बौद्ध मते, बौद्ध मतों के मत में प्रत्यक्षेणापि च स्थिरता नोपन्ना इति स्थिता, स्थिर प्रत्यक्ष के द्वारा भी स्थिरता उत्पन्न नहीं होती है, यही उनका मत में सिद्ध है, और उसे खंडन आगे करेंगे। यहां तक टीका पहले देख लो, अत क्षण भंग दृष्टिया पदार्थानां ज्ञानानुपपत्तिम, ज्ञानानुपपत्तिम दो एक और प्रकार जोड़िए, सो प्रकार नहीं है, एक ही प्रकार दिख रहा है, अनुपपत्तिम प्रदर्शयितुम उपक्रमते, दिखाने के लिए उपक्रम कर रहे हैं, क्षण भंगेति क्षण भंगवाद विचारेणापि एतदेव सिद्ध्यति, क्षण भंगवाद को विचार करने पर भी यही बात सिद्ध होगी जो पूर्व में हमने आपके बारे में कहा था, क्या है पहले तथा ही पदार्थानां क्षणकत्व सिद्धये युक्तिद्वयी प्रदर्शते बौद्धैहि, बौद्धों के द्वारा पदार्थों का क्षणिकत्व सिद्धि के लिए दो युक्तियां हमेशा दिखाई जाती है, कौन सा शक्ताशक्ति विकल्प और दीप ज्वाला च इति, एक तो है शक्त और अशक्तता का विकल्प उठाते हैं और दूसरा दीप ज्वाला का दृष्टांत देते हैं। तत्र आद्याय था, जिसे पहले वाले को समझो, अस्मिन् संसारे पदार्थ अर्थ क्रियाकारित्व समर्थ असमर्था वा, ये विकल्प पूछते हैं वो कहते हैं बताइए इस संसार में जो कोई पदार्थ मिट्टी वगैरह हर चीज इनमें अर्थ क्रियाकारी होने में सामर्थ्य है या नहीं है, शक्ति है या नहीं है, यदि चर्मवत समर्थ, यदि मानोगे चर्म चमड़े आदि के समान समर्थ है वो, तरे यथा चर्म अनित्यम तथैव सर्वे भी पदार्थ अनित्या क्षणिका इत्यर्थ, जैसे चर्म जिससे आपने जूता बना लिया उसके समान है सारे पदार्थ, कहोगे फिर चमड़ा क्या था अनित्य, जूता फट गया फेंक देना पड़ता, जला नष्ट कर देता,
उसे सारा संसार घर पदार्थ को भी चरमादि के समान मान के समर्थ मानो के कार्य बनने का समर्थ है, फिर तो वो चरमादि के समान ही अनित्य भी हो जाएंगे, क्षणिक हो जाएंगे। और यथा चरम अनित्यम तथा सर्व पदार्थ अनित्य क्षणिका इत्यर्थ। यदि च असमर्थ आकाश हो, यदि आकाश जैसे कोई कार्य नहीं होता वैसे वो भी सारा संसार का हर एक पदार्थ असमर्थ ही है, कार्य उत्पादन करने कोई शक्ति उनमें है ही नहीं, केवल घूमने फिरने को आपको अवकाश दे रहे हैं, लेकिन आकाश से कोई कार्य तो नहीं पैदा होता है, ऐसे यदि कहोगे क्योंकि निरवय उसे कोई कार्य पैदा नहीं होगा, तरे निष्प्रयोजनास्ते, फिर तो सारे पदार्थ क्या होगा, निष्प्रयोजन वाले हो जाएंगे। इस बात को उन्होंने अपनी कारिकाओं में शब्दों से कहा, वर्षा तपाभ्याम किम यौवनश्चर्मण्यस्तितयो फलम चर्मोपमश्चेत् सुवनित्यः तो खल्यश्चेत् असत् फलः। तू अलग होनी चाहिए, सुवनित्य तू खल्यश्चेत् असत् फलः। वर्ष आत्माभ्याम किम व्योम्नः चर्मणि अस्ति तयो फलम। कदम आपसे पूछते हैं, आकाश के समान मानते हो या चर्म के समान मानते हो, चर्म के समान समर्थ और आकाश के समान असमर्थ मानते हो तुम। वर्षा आत्माभ्याम के वर्षा और धूप इनसे क्या फर्क पड़ता है आकाश को और चर्म को, आकाश पर कोई असर नहीं होता और चर्म सड़ के नष्ट हो जाएगा धूप पानी से, यानी इसी तरह समझ। इसीलिए चर्म उपमश्चित चमड़े को उपमा मानोगे स्वनित्य वनित्य हो जाएगा, खो खल्यश्चित आकाश के समान मान लेते हो फिर असत फल, फिर फल मिलेगा ही नहीं, कुछ भी कार्य ही नहीं बन पाएंगे। इस कारिका से विकल्प के द्वारा पदार्थों के क्षणिकत्व सिद्ध कर दिया। तस्मात् सर्वे भी पदार्थ अर्थक्रिया कारण क्षणिका, इसलिए सगल पदार्थों को अर्थक्रिया कर जो भी देख रहे हो उनको क्षणिक मानना ही पड़ेगा। दीप ज्वाला दूसरी युक्ति, यथा दीप ज्वाला प्रतिक्षणम नश्यमाना स्थायिनी एव प्रतीयते, दीप जल प्रतिक्षण नष्ट होते हुए भी स्थायी के समान भासित होता है। एवं सर्वे भी भावा द्वितीय क्षण विध्वंसिनोपि स्थायी न प्रतिभान्ति, इसी प्रकार सगल पदार्थ जो है द्वितीय क्षण ही नष्ट होने वाले होते हुए भी स्थायी के समान भासित होते हैं। इत्थम अनेन उदाहरण द्वयेन पदार्थानां स्थायित्वम् असिद्धं भवति, इस दो उदाहरणों के माध्यम से पदार्थों के स्थायित्व को हम असिद्ध मानते हैं। तदेव ते मने तव बौद्धस्य मते पदार्थानां स्थिरता नोपपन्ना न सिद्धा, प्रत्यक्षण मने प्रत्यक्ष प्रमाणेनापि न च पदार्थानां स्थायित्व अनुपत्ति स्थिता मने सिद्धा इत्यर्थः।